द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम गुरु महर्षि सांदीपनि से 64 प्रकार की विद्याएं प्राप्त की थी और इसमें उन्होंने वास्तु शास्त्र का भी ज्ञान अपने परम गुरु से प्राप्त किया था। वास्तु शास्त्र के महान ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण थे और समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का भी ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि ऐसे जो 5 प्रकार के पौधे हैं वो घर की सीमा में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे घर में यदि लगाए गए तो घर के लिए विनाशकारी होते हैं, घर में गरीबी लाते हैं, दरिद्रता लाते हैं और कई प्रकार की परेशानियां परिवार में उत्पन्न करते हैं, घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोक देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे सकारात्मकता और शुभता में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में या घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर इनकी छाया नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले पौधे माने गए हैं। इसलिए इन पौधों को कभी भी अपने घर में या घर की सीमा में या बरामदे में या पोर्च में नहीं लगाना चाहिए तथा घर का जो बगीचा होता है उसमें भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधे नकारात्मकता प्रवाहित करेंगे और घर के परिवार के सदस्यों के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ेंगे। घर के मुख्य द्वार पर इनकी छाया नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है, छाया भेद उत्पन्न होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे दोष उत्पन्न होता है जो घर के सदस्यों के लिए अशुभता लेकर के आता है। घर के इस एरिया में कोई भी पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए। अपने निवास स्थान के घर के आग्नेय और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और ये पौधे यदि आपने लगा भी दिए हैं तो वो जल्दी से सूख जाएंगे और आपके घर में अशुभता लाएंगे। इसलिए इन 2 क्षेत्रों में आपको कभी भी कोई पेड़ पौधों को नहीं लगाना चाहिए। आग्नेय कोण का मतलब होता है पूर्व और दक्षिण दिशा का जो कोणा होता है उसे आग्नेय कोण माना गया है, और दक्षिण और पश्चिम का जो कोणा होता है उसे नैऋत्य कोण कहा गया है। इन दोनों स्थानों पर आपको कोई भी पेड़ पौधों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में पाम का और कनक चंपा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी। यदि घर के मुखिया कोई व्यापार व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो उन्हें घर की सीमा में बेलपत्र या नीम का पौधा लगा करके उसका पालन पोषण करना चाहिए, इससे व्यापार में अधिक से अधिक उनको फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, घर में धन का आगमन बढ़ेगा। नीचे से ऊपर की ओर किसी भी पेड़ पौधों की लता यदि आती है तो घर के मुख्य द्वार को मनी प्लांट या अन्य सुंदर लताओं फूलों और पौधों से सजाना शुभ माना गया है। लताएं यदि नीचे से ऊपर की ओर आती है तो वह शुभता लाती है, वहीं ऊपर से नीचे की ओर आने वाली जो लताएं होती है वो अशुभता लाती है। यानी आप यदि अपने घर में कोई बेलदार पौधा लगा रहे हैं तो उसकी जो लताएं होती है जो बेल होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर कभी भी बेल उसकी नहीं आना चाहिए, ऐसा यदि होगा तो आपके घर में अशुभता आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी पेड़ पौधे जिनकी बेल चलती है जैसे मनी प्लांट इत्यादि की, तो वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे आना चाहिए। घर में केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आती है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का जबकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का निवास माना गया है। अपने निवास स्थान या घर में कोई भी कांटेदार पौधे या पेड़ आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं, घर के छोटे बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायी होते हैं। आजकल देखने में आता है
कि लोग अपने घर में जो कांटे वाले गुलाब के पौधे होते हैं वो अक्सर लगा लेते हैं। इससे परिवार के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विशेष रूप से नुकसान होता है। इसी तरह यदि आप अपने घर में शमी पत्र का पौधा लगाते हैं तो उसमें भी कांटे होते हैं, इसलिए शमी पत्र का जो पौधा होता है उसको घर के सामने की तरफ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप शमी पत्र लगाना चाहते हैं तो घर के पीछे की ओर आपको लगाना चाहिए। घर में ऐसे पौधे जिसके पत्तों फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और घर में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी आती है। सूखे या मुरझाए हुए पौधे तुरंत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। आपके घर में यदि कोई पेड़ पौधा सूख गया है या मुरझा गया है तो ऐसे पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु शास्त्र में ऐसे पौधे अशुभ माने जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है, इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। विशेष करके तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य को लेकर के आता है। बोनसाई का पौधा भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वाले के उन्नति या ग्रोथ रुक जाती है, सकारात्मकता रुक जाती है, आर्थिक विकास रुक जाता है, उन्नति तथा प्रगति भी उनकी रुक जाती है। तथा ध्यान रखें, कभी अपने निवास स्थान या घर में बबूल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह भयंकर कांटेदार पौधा होता है और घर परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य या सेहत के ऊपर नेगेटिविटी फैलाता है, उनके स्वास्थ्य को खराब कर देता है। साथ ही अपने निवास स्थान में कैक्टस का पौधा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हमारे मालवा क्षेत्र में कैक्टस को थापा थोर भी कहा जाता है। इस पौधे का बीज बहुत ही विषैला यानी जहरीला होता है, जो किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए इसे घर के आसपास न लगाने की सलाह वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आपको प्रदान कर रहे हैं। बेल का यानी बेल पत्र का पेड़ भी अपने घर में सामने की तरफ नहीं लगाना चाहिए। यदि लगाना है तो इसको घर के पीछे लगाना चाहिए। वैसे बेल पत्र बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कांटेदार होने के कारण इसे घर के पीछे की तरफ लगाना चाहिए। और घर में बेर का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे घर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है। बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ साथ धन की हानि भी होने लगती है, इसलिए बेर का पेड़ आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। उसमें कांटे भी होते हैं, इसलिए बहुत नुकसानदायी माना जाता है। घर में कभी भी पपीता का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यह खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अक्सर लोग घर में पपीता का पेड़ लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। पीपल नीम वट वृक्ष, यदि पीपल का वृक्ष भवन के पूर्व दिशा में हो तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में निर्धनता आती है, घर में गरीबी आती है। वट वृक्ष का पेड़ यदि घर के पश्चिम भाग में हो तो घर में शोक बना रहता है, काल बना रहता है। तुलसी का पौधा यदि दक्षिण दिशा में हो तो संतान को पीड़ा देने वाला होता है, जो सहन कभी भी नहीं कर पाती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया यदि घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है, यानी जो पेड़ पौधे सूख चुके हैं या बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुके हैं उनकी छाया अपने घर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे पेड़ पौधों को तुरंत उखाड़ करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।